आप जानते ही हैं कि मैं ज्यादा राजनीतिक सभाओं में नहीं आती हूं, लेकिन बागपत का चुनाव प्रचार और बड़ौत की रैली हमेशा खास होते हैं और यहां आकर मुझे चौधरी अजीत सिंह जी की भी याद आती है, इसीलिए मेरी इच्छा थी आज मैं आपके सामने यहां जरूर आऊं। लेकिन आज मुझे आपसे केवल एक ही बात कहनी है, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी एक साधारण किसान परिवार के पुत्र थे, मुश्किल हालातों से लड़कर उभर कर वे आए और पूरे देश भर में अपनी सोच, अपनी विचारधारा, अपने कार्यकाल के लिए प्रसिद्ध हुए। लेकिन फिर भी जिस सम्मान, जिस प्रशंसा और जिस गौरव के वे योग्य थे, वह शायद आज तक उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। सालों साल बाद लेकिन ऐसी एक सरकार आई है जिसने हमारे इस हीरे को पहचाना है और उन्हें वह दर्जा दिलवाया है जिसके वे हकदार थे। 9 फरवरी 2024 को महामहिम राष्ट्रपति साहिबा ने हमारे चौधरी साहब का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखने का काम किया है। अब बारी आपकी है। दुनिया जानती है कि किसान एक ऐसा वर्ग है जो चाहे जितना भी मजबूर हो जाए, कभी अपना अस्तित्व, अपना वजूद कमजोर नहीं होने देता। ना हम किसी से डरते हैं, ना कोई अन्याय सहते हैं, और हमें समझते हुए, हमारे मान सम्मान का आदर करते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूं, आप भी ध्यान रखिए, किसान का कोई धर्म नहीं, किसान की कोई जाति नहीं, एकजुट होकर पूरी ताकत से अब आप भी अपनी खुशी प्रकट करिए, अपना वोट डालिए और ऐसा वोट डालिए कि लखनऊ में, दिल्ली में सबको पता चल जाए कि उनके इस एक काम से किसान का दिल जीत लिया है। अब की बार सभी मुद्दे एक तरफ छोड़ दो, आपसी मतभेद, नाराजगियां सब कुछ छोड़ दो। अब की बार वोट पड़ेगा तो सिर्फ चौधरी साहब के नाम पे, उनकी याद पे, उनके सम्मान पे पड़ेगा। इस बार ऐसी गूंज होनी चाहिए कि देश भर में सबको पता चल जाए कि पूरा किसान, खास तौर के उत्तर प्रदेश का किसान, चौधरी साहब के साथ खड़ा है। और आपका यही काम स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के लिए भी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी और जैन जी और मेरे लिए यह आपका सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा।